भाई चले चलकर कुछ खा लें। आपने कुछ भी नहीं खाया हो, प्लीज आ जाए। चले भाई प्लीज। नहीं, मूड नहीं है अनिशा। आपने कुछ खाया भी नहीं है, कम से कम चाय तो पी लें। तुमने भी कहा कुछ खाया है? भाई आप तो चाय पी लें, खेली चाय। निमल के साथ साथ मुराद की भी फिक्र हो रही है। मैंने मुराद को कभी भी इतनी तकलीफ में अकेले नहीं छोड़ा है। तुम घर चली जाओ, मैं निमल के पास हूँ। क्या फायदा होगा, वहां जाकर भी आप दोनों के लिए फिक्रमंद रहूंगी। मैं सोच रही थी कि हम निमल को किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो जिस ज़हनी अज़ियत से गुजर रही है, उस अज़ियत से हम भी गुजर रहे हैं। मेरी एक दोस्त है, अच्छी साइकोलॉजिस्ट है, उससे बात कर सकती हूँ मैं। अगर निमल की तबीयत में बेहतरी आती है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी अनिशा? भाई जब तक निमल का इलाज नहीं हो जाता, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। काफी टाइम हो गया अनिशा, निमल उठ क्यों नहीं रही है? आप क्यों फिक्र कर रहे हैं भाई, वो डॉक्टर ने नीम का इंजेक्शन दिया, बस थोड़ी देर में उठ जाएगी। परेशान मत हो आप। निशा थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। किसलिए भाई? तुमने मेरा बहुत साथ दिया निशा, अगर तुम ना होती तो मैं ये सब कुछ ना सह पाता। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, मैं गैर थोड़ी। आपका हर दुख हर सुख मुझसे जुड़ा है। क्या मैं निमल की जगह पर होती तो आप मेरा साथ नहीं देते? खुदा तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे, खुश रहो तो। हाँ मैं भाई, कुछ और तो मिला नहीं इस वक्त, बिस्किट मिला तो बिस्किट खाइए आप। खाना बस थोड़ी देर में घर से आ जाएगा, ये लीजिए।